नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तीन फंदों का ये खूबसूरत डिज़ाइन। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, सॉक्स में, शूज़ में, कैप में, हैट में, फ्रॉक में, टॉप में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 9 फंदे डाले हुए हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने 9 फंदे सिलाई में डाले हैं, 3 के मल्टीपल में, और ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से। तो 3 फंदे हम लेंगे, 1, 2 और 3, 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बनाया, ऊन को अपनी ओर किया और फिर इन्हीं तीनों में एक बार और बैक लूप से सीधा फंदा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब इन 3 फंदों को गिरा लेंगे। अब नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे, 1, 2, 3, और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक बार और सीधा फंदा। तो ये हमारे 3 से 3 फंदे हो गए। नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, तो ये दूसरा फंदा हो गया और फिर इसी में एक बार और सीधा फंदा। तो 3 से 3 फंदे हो गए। इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, हाथ थोड़ा ढीला रखेंगे। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब एक डिज़ाइन से हम 2 फंदे लेंगे और तीसरा फंदा अगले डिज़ाइन से। तो ये हमने एक फंदे को स्लिप किया और नेक्स्ट 3 फंदों में बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा। तो हमारा 3 से 3 फंदा हो गया। नेक्स्ट 3 फंदा लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, हाथ थोड़ा ढीला रखेंगे। यदि हमने टाइट हाथ से बना दिया तो डिज़ाइन की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और डिज़ाइन बनाने में हमें बहुत तकलीफ होगी। तो सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। पांचवी लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो पांचवी लाइन में हमने 2 फंदे किनारे कर लिए। अब नेक्स्ट 3 फंदों को लेंगे और फिर सीधा उन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी में एक बार और सीधा। तो 3 से 3 फंदे हो गए। नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे और सीधा उन अपनी ओर करेंगे और फिर एक बार और सीधा। तो 3 से 3 फंदे हो गए। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम
सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा सातवां लाइन है और फिर यहाँ देखिए, अब ये दो फंदा हमारे किनारे हैं और डिज़ाइन से एक फंदा ले लिया, यानी कि तीन फंदा हो गया। अब इन तीन फंदों में डिज़ाइन बनेगा, यानी हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा। तो एक ही लाइन का डिज़ाइन है और ये ध्यान देना है कि अगली लाइन में डिज़ाइन से एक फंदा बाहर हो जाएगा और एक डिज़ाइन से दो फंदा और अगले वाले डिज़ाइन से एक फंदा, यानी तीन फंदा लेके हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमको तीन फंदे मिल जा रहे हैं, यानी यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तीन फंदा का ये बन गया, फिर इस डिज़ाइन से दो फंदा और दूसरे वाले डिज़ाइन से तीन फंदे हो गए, यानी कि एक डिज़ाइन यहाँ भी बन जाएगा और तीन फंदा तीसरे डिज़ाइन के लिए। तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।